तो एमपीए, एमएनए, फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, एवरीबडी इज सपोज टू सेट एट द ग्राउंड। वर्कर भी वहीं बैठे होते हैं, हम भी वहीं जमीन के ऊपर आलती पालती मार के, भले कुछ भी कपड़े पहने हो आपने, आप सूट पहन के आए, ये इट्स योर फॉल्ट, आपकी मर्जी, यू हैव टू सेट एट द ग्राउंड। तो ईगो वाला भाई हमेशा ये कहते हैं कि जाति अना को हम फना किए बगैर जो है ना, वो फिर हम एक बड़े कॉज के लिए सोच नहीं सकते। तो हम यहाँ लाहौर में परसों बात कर रहे थे, तो पूछ रहे थे परचम का कि हमारी जो पार्टी फ्लैगिंग है, तो बात करते हुए यही बात की हमारे राबता कमेटी के लोगों ने कि भाई हम जितने लोग बैठे हैं, हमने तो सीढ़ी कांधे पे रख के और खुद से बैनर लगाए और फ्लैगिंग लगाए। कल हमारे एमएनए जो 3 हैं मुल्तान में, आसिफ हसनैन भाई, साजिद भाई और शेख सलाउद्दीन भाई, तो मुझे कल रात को वो बता रहे थे कि हम गाड़ी में खुद गए बाजार से स्प्रे पेंट खरीदा, और दीवारों के ऊपर जहां पे वॉल चौकिंग हुई भी थी, हमने वहां पर एमकेएम की झलसी की वॉल चौकिंग की है। आर मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान में किधर, अच्छा उसको किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने उसे बंदूक नहीं दी, उसकी जो इनसाइड है वो बाहर आ रही है कि मेरी ट्रेनिंग ही ऐसी है ना, मुझे कोई हार्म ही नहीं है बेसिक ट्रेनिंग। और आई थिंक मुस्तफा भाई के बारे में कोई बता था कि वो ऑपरेटर के तौर पे वो बहकित रहा था, कार टेलीफोन ऑपरेटर थे। माय गॉड, नहीं और प्रैक्टिकली नजर आता है, मतलब रजा भाई का भी हमने इंटरव्यू किया था, मुस्तफा भाई से भी मुलाकात नहीं, बट वी सीन एंड प्रैक्टिकली डूइंग सो मच, वो नजर आता है कि कराची के पहले क्या हालात थे और अब कितना एकदम से जो चेंजेस वो आए हैं नजर, और ग्राउंड लेवल पे, मतलब इट शोज कि आपकी पार्टी के अंदर, लीडर्स के अंदर कितनी डेडिकेशन है। अच्छा मैं आपसे थोड़ा सा आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से पूछना चाहूंगी, यू बींग द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, अब आपने ये मिनिस्ट्री संभाली, आप क्या समझते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में यंगस्टर्स की बहुत ज्यादा तादाद है, डू यू थिंक इनको एक विजन की जरूरत है, और आप यू बींग द मिनिस्टर आप क्या समझते हैं कि क्या क्या कुछ होना चाहिए? देखिए होना तो बेतहाशा चाहिए, वजह यह है कि इस मुल्क की अक्सरियत जो है वो नौजवानों की, हम कहते हैं कि नौजवान हमारा सरमाया, इजाफा सिर्फ आबादी में इजाफे के तौर पे हो रहा है, उस सरमाए में उसमें इन्वेस्ट करके नहीं हो रहा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जरिए हम, ये जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, हम इसमें इतना ज्यादा फायदा मुल्क का कर सकते हैं, जो हमारी आज लायबिलिटी है वो कल का और आज का हमारा एसेट हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे नौजवान के पास, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है, ये हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग फेडरल लेवल के ऊपर भी, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी यूथ मिनिस्ट्री जो है वो इंतहाई, मैं समझता हूं कि नई मिनिस्ट्री है, नौजायदा है, और शायद प्रायोरिटी वाइज जो है वो इस तौर पर नहीं लिया के सामने, जिस तरह उसको लिया जाना चाहिए। वजह यह है कि जब नाम सुनते हैं यंगस्टर के यूथ मिनिस्ट्री, तो वो दे एक्सपेक्ट अलॉट, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मैं एक्सपेक्ट तो करता हूं, लेकिन वो इतनी बड़ी हायरार्की है, छोटी मिनिस्ट्री होने का फायदा भी यही है, और कोई है भी नहीं साथ में, क्या मैं से अकेले घूमते फिरते रहते हैं? हाँ, तो ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज कि हम जाते हैं लोगों से, तो वी इंटरैक्ट अलॉट। तो हम सोच यही रहे हैं कि नौजवानों को इन्वॉल्व किया है, उनकी जो एनजीओ जो सोच रहे हैं, नौजवान काम कर रहे हैं, कि जो सोचने वाले दिमाग हैं जो मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके पास हम गए कि आप बताएं क्या किया जाए, और उनके साथ मिलके वी हैव पिच्ड सर्टेन आइडियाज। लेकिन वो मैं ये समझता हूं कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन और जितना बड़ा मुल्क, जितना बड़ा मेरा सूबा है, उसके हिसाब से मुश्किल काम भी नहीं, अरे मुश्किल नहीं है, करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन इस वक्त जो इनिशिएटिव है वो बहुत छोटा सा, छोटे लेवल पे। अच्छा छोटे छोटे सवाल, आप 2-3 फेवरेट गेम कौन सी है आप खेलने में? क्रिकेट और कंप्यूटर गेमिंग में या कंसोल गेमिंग में फुटबॉल। अच्छा आपकी फेवरेट फीमेल पॉलिटिशियन कौन है? मेरी फेवरेट फीमेल पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से, मैंने पॉलिटिशियंस को कभी वो फीमेल, मेरे ख्याल में जो मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे नाम हैं, मेरी पार्टी में नसीम जलील बाजी ने जो डेडिकेशन दिखाई और कमिटमेंट अल्ताफ भाई के साथ, और वो उस क्लास से ताल्लुक नहीं रखती बेसिकली, वो बड़े आसूदा हाल तबके से उनका ताल्लुक, उसके बावजूद द वे शी हैज संभाला, एग्जैक्टली, तो वो उनको मैं एडमायर करता हूँ, और भी ख्वातीन हमारे हैं। अच्छा फेवरेट पॉलिटिशियन अल्ताफ भाई के अलावा कोई और, कोई लीडर, फेवरेट लीडर, नेशनल लीडर? नेशनल लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ अल्ताफ, मैंने सियासी तौर पर मैं पैदा हुआ हूँ अल्ताफ भाई के ही अहद में, तो मैं तो उन्हीं से इंस्पायर हूँ। मेरी पार्टी में अल्ताफ भाई के बहुत अच्छे वर्कर्स मौजूद हैं,
दूसरी पार्टीज में जो चंद पॉलिटिशियंस हैं कि जो लो मिडिल क्लास हैं और जो जल्दी से बता रहे कई लोगों को एडमायर करता हूं उनकी मुख्तलिफ बातों, शेख रशीद साहब बहुत सारी चीजें अच्छी कह देते हैं, अच्छा मखदूम जावेद हाशमी साहब के जो स्टांस ख्वाजा साद रफीक साहब आते हैं। अच्छा मैं हमें ब्रेक हम ले लेते हैं फिर इस लिस्ट को हम कंप्लीट करेंगे। फैसल सरदारी साहब यहाँ पे मौजूद है, हमारे बहुत स्पेशल मोहतरम गेस्ट हैं, कराची से आए हैं स्पेसिफिकली, इनसे मजीद बातचीत करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अगर अभी आपने ट्यून इन किया तो भाई क्या किया, पहले करना चाहिए था, लेकिन चले अभी भी देर नहीं हुई। फैसल समझवारी साहब हमारे साथ, हमने फैसल भाई को रोक लिया, खास तौर पे हमने जो इनको रोका हुआ है, और ये इनको हम निहारी में कह रही हूँ नाश्ता कराने में, जब नाश्ते का जिक्र आता है ना निहारी मेरे दिमाग में आना चाहिए। फैसल साहब इसने तो लगानी मुझे नजर, मतलब आज हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि हम 11 बजे के बाद जा रहे हैं, फैसल भाई से इतने मजे मजे की बातें हो रही है। और वेब पे इन्होंने ये बताया था जी, अगर आपको बता दूं कि शेर व शायरी को उनको बड़ा शौक था, बताइए कब ये शौक पैदा हुआ है, कोई शेर वेर कहे खवातीन के लिए, रोमांटिक आदमी नहीं, खवातीन के लिए तो नहीं गए, खातून के लिए भी नहीं गए जो खातून खाना है। हम पढ़ते थे, मेरे ख्याल में स्कूल के जमाने से पढ़े थे शायरी वारी, मैं अच्छी तरह याद है मुझे कि मैट्रिक की छुट्टियां हुई तो मैं मम्मी के शनाख्ती कार्ड लेकर गया लाइब्रेरी में इलाके की, और दो किताबें वहां 15 दिन के लिए मिलती हैं सिलसिला, तो एक मैं कुलियात नून मीम राशिद उठा लाया था उसमें से, और मैट्रिक के बाद मैंने नून मीम राशिद को पढ़ लिया था, उनकी एक नज़्म मुझे बहुत अच्छी लगती थी उसकी बुनियाद के ऊपर। तो बस जब से शेर व शायरी पढ़ रहे हैं, शेर अच्छा शेर सुनकर, जिस तरह लोगों को बहुत सारी चीजों में हाल आ जाते हैं, मुझे अच्छा शेर सुन के सॉर्ट ऑफ हाल आ जाते हैं, निहाल हो जाती है, तभी खुश होता हूं। अच्छा भाभी ने ये भी कहा था टेलीफोनिक कॉल पे कि जी आप गुनगुनाते भी बहुत अच्छा थे, तो अब भाभी के लिए थोड़ा सा कुछ हो जाए जरा भाभी।